नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हमारा ये प्रकाश का 11वां वीडियो है, 11वां पाठ, रंग या वर्ण त्रिभुज, कलर ट्रायंगल हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कलर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में अलग अलग, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कलर ट्रायंगल। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन से, प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर या प्राइमरी रंग कौन कौन से। तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ साथ साथ में, प्राइमरी कलर कौन कौन से है। तो बच्चों देखो, ध्यान रखना आर जी और बी। पहली बात यह देखो, ये प्राइमरी कलर होते क्या है, प्राथमिक रंग क्या होते हैं। प्राथमिक रंग वो स्वतंत्र रंग होते हैं जो किसी के मिलने से नहीं बढ़ते हैं, जो किसी के मिक्सअप से नहीं बढ़ते हैं, वो खुद स्वतंत्र होते हैं। जैसे रेड ये हो गया, ग्रीन और ब्लू, या लाल, हरा और नीला, ये तीन कलर है, इसको बोलते हैं प्राथमिक रंग। देखो एक बार यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये डायग्राम में रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया, ये सब है प्राइमरी कलर। प्राइमरी रंग वो रंग होते हैं जो किसी के मिक्सअप से नहीं बनते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं प्राइमरी कलर। तो बच्चों देखो एक बार यहां पर, अब दूसरा आ जाता है हमारा यहां पर सेकेंडरी कलर। अब देखो सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर। द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राइमरी रंग के मिलने से बनते हैं, जैसे आर रेड प्लस ग्रीन, इनको अगर अपन मिलाएंगे, देखो ये वाला देखो, रेड को और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, येलो बनेगा, पीला बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, येलो, ठीक है। यहां पर देखना, ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे, जी और बी, ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा सियान, इसको बोलते हैं सियान रंग, या इसको बोलते हैं पिकॉक ब्लू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिकॉक ब्लू, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सियान या पिकॉक ब्लू, ठीक है बच्चों। और तीसरा आ जाता है, रेड और ब्लू को मिलाएंगे अपन, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा मेजेंटा, अब देखा होगा दिल्ली मेट्रो में मेजेंटा लाइट। तो ध्यान रखना बच्चों, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेजेंटा, इसको हम रानी कलर भी बोल देते हैं, रानी रंग या रानी कलर, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होगा। तो द्वितीयक रंग क्या होते हैं, द्वितीयक रंग प्राइमरी रंग को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, ये किसी के मिक्सर से नहीं बनते हैं। तो आपने देखा होगा ना, देखो हमने टीवी पर देखा होगा, तो टीवी में कितने रंग होते हैं, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इसमें तीन ही रंग होते हैं प्राइमरी, आर जी बी, जब आप फोटोशॉप वगैरह करते हो तो तीन रंग ही होते हैं, इन्हीं के मिक्सअप से सारे रंग बनते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया, हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि एक होते हैं संपूरक रंग, क्या होते हैं संपूरक रंग, या इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री कलर। देखो संपूरक रंग वो होते हैं जो सफेद रंग बनाते हैं, आप तो बस ये वाला ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के लिए अब यहां पर देखो एक बार, येलो और ब्लू को मिलाएंगे, देखो येलो और ब्लू को मिलाओ, दोनों को अगर अपन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। मेजेंटा को और ग्रीन को मिलाओ, ये ट्रायंगल देखो आप, ट्रायंगल में पूरा समझ में आ जाएगा आपको, मेजेंटा और अगर ग्रीन को मिलाएंगे, ठीक है ना, इसको रानी रंग भी बोलते हैं। मेजेंटा और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, व्हाइट, और ऊपर चला गया रेड, देखो एक बार, ये रेड को और सियान रंग को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सफेद। तो देखो एक बार, इसका मतलब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, देखो यहां से रेड से शुरू कर रहा हूं, रेड प्लस सियान रंग मिलाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा।
इसका मतलब रेड और सियान एक दूसरे के क्या हो गए, सप्लीमेंट्री कलर हो गए। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि लाल रंग का संपूरक रंग कौन सा है, सियान, सियान रंग का संपूरक रंग कौन सा है, रेड कलर है, लाल रंग है। इसका मतलब संपूरक रंग वो रंग होते हैं जिनको मिलाने से व्हाइट रंग बनता है। दूसरा यहां पर देखो एक बार, मैं ये भी लिख सकता हूं, पीला प्लस नीला, ब्लू है ना। देखो एक बार, पीला और नीला मिलाने से भी क्या बनता है, व्हाइट रंग बनता है। इसका मतलब ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि पीले रंग का संपूरक रंग कौन सा है, नीला, और नीले रंग का संपूरक रंग कौन सा है, पीला। ठीक है ना, ये देखो ट्राइंगल में देख सकते हो आप। दूसरा आ जाता है मेजेंटा प्लस ग्रीन, मतलब हरा। ये रंग अगर आप दोनों रंग मिलाओगे तब भी क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। इसका मतलब अगर एग्जाम में पूछ ले कि मेजेंटा रंग का संपूरक रंग कौन सा है, हरा, हरे रंग का संपूरक रंग कौन सा है, मेजेंटा। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना R प्लस G प्लस B, लाल हरे और नीले तीनों को मिला देते हो, ये ट्राइंगल देखो एक बार वापस, लाल हरे और नीले तीनों को अगर मिला देते हो तब भी कौन सा रंग बन जाता है, व्हाइट रंग बन जाता है। इसका मतलब है, ये भी क्या है, एक दूसरे के संपूरक। ठीक है ना, तीनों को मिला तब भी क्या बन जाएगा, व्हाइट रंग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको ट्राइंगल से बताया, वापस बता रहा हूं मैं, वर्ण आपको ये देखो, ये त्रिभुज ध्यान रख लो आप। तो अगर ये ट्राइंगल आपको ध्यान रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कई स्टूडेंट इस पे ट्रिक पूछते हैं, ट्रिक कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान रख लो आप, ट्रिक यही है, ये जो ट्राइंगल है ये आपके लिए ट्रिक है। ठीक है बच्चों, प्राइमरी रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, संपूरक रंग होते हैं, तीन तरह के रंग होते हैं। प्राइमरी रंग वो रंग होते हैं जो किसी के मिक्सचर से नहीं बनते हैं, किसी के मिक्स करने से प्राइमरी रंग नहीं बनते हैं, उनको प्राइमरी रंग बोलते हैं। टीवी में, एलईडी में, मोबाइल में तीन रंग पाए जाते हैं मुख्यतः, RGB। ठीक है बच्चों, अगर फोटोशॉप करते हो तो आपको तीन रंग मिलेंगे, इससे मिक्स होने पर और कलर मिलते हैं। ठीक है, इनको स्वतंत्र रंग भी बोल सकते हैं। क्या है इसको, स्वतंत्र रंग बोल सकते हो आप, अगर बोल देंगे सर। फिर आता है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग वो रंग होते हैं जो प्राइमरी रंग, प्राइमरी या प्राथमिक रंगों से मिलने से द्वितीयक रंग बनते हैं। जैसे रेड और ग्रीन मिला तो पीला बन गया, ग्रीन और ब्लू मिला तो सियान रंग पिकॉक ब्लू बन गया, और रेड और ब्लू मिला तो मेजेंटा बन गया। मेजेंटा को क्या बोलते हैं, रानी कलर। तो इसको हमने क्या बोल दिया, मेजेंटा, इसको ही रानी कलर बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ फिर आता है संपूरक। संपूरक रंग वो रंग होते हैं जिनको मिलाने से व्हाइट रंग बनता है, बस ये ध्यान रखना। इसका मतलब रेड और सियान को देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आप त्रिभुज देखना, रेड को लाल रंग को और इसको, सॉरी, रेड को और सियान को मिलाया तो क्या बन गया, व्हाइट। देखो एरो जो दिख रहा है ना, रेड और सियान दोनों मिलाया तो क्या बन गया, व्हाइट मिल गया। ठीक है, पीले को ब्लू को मिलाया तो व्हाइट, मेजेंटा को ग्रीन को मिलाया तो व्हाइट, रेड ग्रीन और ब्लू तीनों को मिलाया तो व्हाइट। इसका मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये पूछा जाएगा लाल रंग का पूरक रंग है, लाल रंग का, सॉरी, संपूरक या पूरक कुछ भी पूछ सकते हैं, संपूरक रंग है। फिर ऑप्शन आ जाएगा हरा, नीला, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, सियान, और डी आ जाएगा मैजेंटा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो एक बार, लाल रंग को किस रंग से मिलाए कि सफेद रंग मिल जाए, तो हमको पता है लाल को सियान रंग से मिलाने पर सफेद रंग मिलता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सियान रंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की हमको प्रैक्टिस करनी है, और आपके क्वेश्चंस एक भी यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी और भी पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो ऐसा जो क्वेश्चंस पूछा गया था एग्जाम में, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चार ऑप्शन ऐसे जो दे देंगे आपको, लाल बी दे देंगे, स्यान
सी दे देंगे लाल, हरा और डी दे देंगे नीला। तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो आपको बताया कि आर, जी और बी ये तो क्या प्राइमरी रंग है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, यहां पर सियान रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है, ये सेकेंडरी रंग है, द्वितीयक रंग है। तो बच्चों ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये टॉपिक मैंने इसलिए कराया कि इसके क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है ये प्रकाश, कंप्लीट हो चुका है पूरा, प्रकाश की सारी घटनाएं हो चुकी है, प्रकाश के जितने बेसिक हो चुका है, अपना तरंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि, साउंड। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ध्वनि, ठीक है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा टॉपिक साउंड, और साउंड में पार्ट फर्स्ट रहेगा वो रहेगा बेसिक, ठीक है बच्चों। फिर हम ध्वनि के सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे, जितने भी पार्ट हो सकते हैं, जितने भी साउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।